संसद में पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया गया था। तब लग रहा था कि जल्द ही ये कानून लागू हो जाएगा। इस कानून को लेकर स्थायी नियम और उप कानून तैयार हो जाएगा। गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को 6 महीने का समय भी मिला था, लेकिन समय निकल गया और काम इतना हुआ कि ये इसी बात से समझा जा सकता है कि समिति को अब और समय चाहिए। इसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या सरकार CAA को टालना चाहती है? क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस बिल के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिस बिल के लिए सरकार ने विरोध की आवाजों को अनसुना कर दिया, उस बिल को क्या सरकार लागू करने को तैयार नहीं है? क्यों गृह मंत्रालय की स्थायी समिति इस कानून को लेकर स्थायी नियम और उप कानून तैयार करने की जल्दबाजी में नहीं दिख रही है, जबकि इस बिल को सरकार ने जल्दबाजी में पारित कराया था? संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार कानून के लागू होने के 6 महीने के अंदर स्थायी नियम और उप कानून बन जाने चाहिए। वैसे नियम ये भी कहता है कि यदि 6 महीने में ये नियम नहीं बन पाते हैं तो भी उन्हें अतिरिक्त समय मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में अनुमति लेनी होगी और यह समय विस्तार एक बार में 3 महीने से अधिक नहीं होगा। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून के संबंधी नियम बनाने के लिए 3 महीने का समय और मांगा है। अधिकारियों का कहना है इस संबंध में आवेदन अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित विभाग के समक्ष दिया गया है। खैर, कानून की अगर बात करें तो CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस विधेयक को करीब 8 महीने पहले संसद ने मंजूरी दी थी और इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। विधेयक पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को दस्तखत किए थे। सरकार का कहना है कि जब तक नियम नहीं बनाए जाते तब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अपनी धार्मिक पहचान से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आवेदकों को ये सबूत भी देना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे और इन दस्तावेजों के आधार पर ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। कई राज्य सरकारों ने तो इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना तक कर दिया था। इसके बाद से ही इस कानून पर सवाल उठाए जा रहे थे और सरकार द्वारा जिस तरह से इस कानून को लेकर ढीला ढाला रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या CAA को सरकार खुद ही टालना चाहती है। TB Live की रिपोर्ट।